नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा कुछ जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 28 जुलाई 2022 वार गुरुवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा कुछ जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम आप अवश्य लिखें। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज के दिन क्या विशेष रहेगा। आज अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही योग रहने वाले हैं, जो कि सुबह 5:44 से लेकर अगले दिन सुबह 5:45 तक रहेंगे। आज गुरु पुष्य योग भी रहने वाला है, जो कि सुबह 7:05 से लेकर, और हम बात करें अगले दिन सुबह 5:45 तक रहेगा। दोनों ही योग बहुत शुभ योग माने गए हैं। अगर हम बात करें तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आज विशेष शुभ और लाभप्रद रहेगी। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए आज हम भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा, उनकी आराधना अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं पंचांग की। वार गुरुवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, माह श्रावण माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या तिथि, नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि सुबह 7:05 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। योग वज्र योग, जो कि शाम 5:57 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा। करण की बात करें, चतुष्पद करण सुबह 10:20 तक रहेगा। उसके बाद नाग करण प्रारंभ होगा। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। आई बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणना होगी। सूर्योदय प्रातः 5:44, सूर्यास्त शाम 7:10। सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क के जो स्वामी हैं चंद्रदेव हैं। चंद्रोदय की बात करें सुबह 4:56, चंद्रास्त शाम 7:21। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क के जो स्वामी हैं वे स्वयं चंद्रदेव माने। बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर सुबह 4:56 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अपने ईष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, स्वयं सिद्धि ब्रह्म मुहूर्त में की जा सकती है। अभिजित मुहूर्त की अगर हम बात करें तो यानी कोई भी शुभ कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और शुभ लग्न अनुसार शुभ चौघड़ी नहीं है, तो आप अपने उस कार्य को अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। दोपहर 12 से लेकर 12:54 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। बात करते हैं दिन के चौघड़ी की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से लेकर सुबह 5:44 से लेकर सुबह 7:25 शुभ का चौघड़िया, शुभ समय। शुभ के बाद रोग 7:25 से लेकर और 9:06 रोग का चौघड़िया, अशुभ है। रोग के बाद उद्वेग 9:06 से लेकर 10:46 उद्वेग का चौघड़िया, अशुभ चौघड़िया है। उद्वेग के बाद चर 10:46 से 12:27 चर का चौघड़िया, सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 12:27 से दोपहर 2:08 शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 2:08 से लेकर 3:49 शुभ समय है। अमृत के बाद काल 3:49 से शाम 5:29 अशुभ चौघड़िया। काल के बाद बात करें शुभ, शाम 5:29 से शाम 7:10 तक रहेगा। काल का चौघड़िया अगर हम बात करें यहाँ पर तो काल का चौघड़िया अशुभ रहेगा और शुभ का चौघड़िया शुभ समय। इन सभी चौघड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौघड़िये शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन तीनों को अशुभ माना गया। बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गुलिक काल को लेकर। ज्योतिष शास्त्र में दोनों समय को अशुभ माना गया, यानी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, किसी भी शुभ यात्रा के लिए इन समय को नहीं हमें यूज करना चाहिए। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9 से लेकर और 10:30 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिशाशूल, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है दक्षिण दिशा। फिर भी अगर जातक दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार करें, यानी आज के दिन यात्रा से पहले दही का सेवन अवश्य करें। बात करते हैं चंद्रबल यानी आज की शुभ राशियों की। तो आज की शुभ राशियां हैं वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। आइए अब हम बात करते हैं जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामक्षर और जन्म पाए की। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी कर्क राशि, नामक्षर रहेंगे ही, हु, हे और हो। जन्म पाए की बात करें तो इनका सभी का रजत का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।